नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अकॉर्डिंग टू जो डाटा जो ऑपरेशंस के हिसाब से हमारे जो इंस्ट्रक्शन क्लासिफाई थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हमारे इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से बटे हुए हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, हमने जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अकॉर्डिंग टू साइज बटे हुए थे, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट के आर्किटेक्चर के हिसाब से बटा हुआ था, जो सिस्को रिस्क बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन मतलब किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शन, उसके लिए हमने कैटेगरीज बांट दी। ठीक है, जैसे डेटा ट्रांसफर ग्रुप, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक ग्रुप, जैसे लॉजिकल ग्रुप, ठीक है, जैसे ब्रांचिंग ग्रुप, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट ग्रुप और इंटरप्ट ग्रुप। अगर आपको डेटा का ट्रांसफर ही करना है तो दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर ग्रुप। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो ये अरिथमेटिक ग्रुप में आएगा। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, जैसे रोटेट हो गया, आपका एंड हो गया, और हो गया, एक्सोर हो गया डेटा का, ये आपका लॉजिकल ग्रुप में आएगा। अगर आपको जैसे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस करने हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, अनकंडीशनल जंपिंग, ये लूपिंग कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं, ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। फिर आपका आता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, कि इनपुट डिवाइस से कोई डाटा रीड करना है या आउटपुट डिवाइस को कोई डाटा राइट करना है, तो वो इनपुट आउटपुट ग्रुप में आ जाएंगे। और इंटरप्ट से रिलेटेड, जब इंटरप्ट कोई आता है तो हाउ टू एनेबल इट, हाउ टू डिसेबल इट, ठीक है, हाउ टू एग्जीक्यूट इट, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हमारे आते हैं वो इंटरप्ट ग्रुप में आते हैं। क्लियर हो गई बात, ये हुई। चलते हैं आगे। अब हमारा आता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या कहता है? फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका ये कहता है कि दैट दो तरह के वर्ड्स होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में। एक होता है इंस्ट्रक्शन वर्ड जो कि ऑपकोड होता है, और एक होता है डेटा वर्ड जो कि ऑपरेंड द्वारा स्पेसिफाई होता है। अब होता क्या है, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, मैं आपको बता देता हूं, जैसे जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन रीड होता है, और रीड करने के लिए हम आपको, मैं बताता हूं, सपोज करिए जैसे मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, ढंग से देखिएगा। आपने जैसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा MVI A, 24H, ये आपने लिखा। ठीक है, अगर इसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो 2000H पे MVI A का कोड आ जाएगा 3E, और 2001 पे हमारा जो डाटा आएगा वो आएगा सपोज करो 24H। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमने देखा यहाँ पे कि 3E 2000H पे स्टोर हो गया और 2001H पे 24H स्टोर्ड है। अब बात आती है जब प्रोसेसर इसको रीड करता है, जब एग्जीक्यूट करने वाला होता है, तो मैंने आपको बताया प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है। तो सपोज करो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है तो प्रोग्राम काउंटर 2000H को फॉलो करेगा। अब प्रोसेसर इसको कैसे रीड करेगा, दैट इज द मेन पार्ट। तो प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले एक रजिस्टर होता है MAR, जिसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर इस पीसी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है, दैट पीसी वैल्यू जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर, MAR के अंदर। अब MAR से जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो है वो लोड हो जाता है एड्रेस बस पे। ठीक है, और फिर वो एड्रेस नॉर्मली स्पेसिफाई करता है या एड्रेस करता है उस मेमोरी को जहां से उसे जाना है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, जब कोई इंस्ट्रक्शन हमने स्टोर करा था मेमोरी के अंदर और जब वो एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो कैसे प्रोसेसिंग होती है, पीसी जो होता है वो अपने आप को अपडेट करता है उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से, 2000H से जैसे यहां पे इसने स्टार्ट करा, फिर वो पीसी की वैल्यू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में नोट हो जाती है और फिर पीसी वैल्यू वो ट्रांसफर कर देता है MAR के अंदर। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के अंदर में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के अंदर में हो रहा है। ठीक है, फिर MAR क्या करता है, जो एड्रेस अपने अंदर आया है उसको एड्रेस बस पे लोड कर देता है कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में। ठीक है, फिर एड्रेस जो एड्रेस बस पे है
वो क्या करती है, एड्रेस बस जो है वो स्पेसिफाइड करती है या एड्रेस्ड करती है मेमोरी को, ठीक है। अब एड्रेस बस ने एड्रेस बता दिया 2000H, अब होता क्या है 2000H पे क्या पड़ा हुआ है 3E। अब ये 3E जो है, ये 3E नॉर्मली हमारा डेटा बस पे लोड हो जाएगा। 3E हमारा किस पे लोड हो जाएगा, डेटा बस पे लोड हो जाएगा आफ्टर दिस, ठीक। डेटा बस पे हमारा 3E लोड हो गया, ठीक है। अब लोड होने के बाद डेटा बस से ये इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन डेटा बस से जाएगा हमारा किसकी तरफ, MDR की तरफ जाएगा। MDR क्या है हमारा, हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और मेमोरी डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर से हमारा इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा बच्चों, हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा किसकी तरफ, हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा IR की तरफ या ID इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डेटा कहां जाएगा, ID की तरफ। जहां इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शंस को, जो डेटा आया है उसको स्टोर करता है। और ID का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। और फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, बात समझ में आ गई है नहीं आई, मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में सेव कर देते हैं, जहां यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया MVI A और ये मैंने मेमोरी में सेव कर दिया, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा तो 2000H प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड है तो वो 2000H पॉइंट आउट होगा। अब ये 2000H जो है ये हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जब आपने देख लिया कि उसके पास एड्रेस आ चुका है जहां से उसे लोड करना है तो वो उसको एड्रेस बस पे बिठा देता है। अब एड्रेस बस क्या करती है, उस एड्रेस को लेके जाती है उस मेमोरी तक जहां पे उसको डेटा मिलेगा। अब मेमोरी एड्रेस बस जो है वो ले गई मेमोरी तक। अब मेमोरी में क्या है, मेमोरी पे रखा हुआ है 3E, यहाँ पे मेमोरी पे रखा हुआ है 3E। अब ये 3E जो है वो डेटा बस पे लोड हो जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इन सबका सिग्नल जो दे रही है वो कंट्रोल यूनिट दे रही है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फिर डेटा बस पे जब वो लोड हो गया तो डेटा बस उस डेटा को लेके कहां जाता है, MDR के पास जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास जा रहा है। और मेमोरी डेटा रजिस्टर में जब वो वैल्यू आ जाती है तो वो फेच हो जाती है किसकी तरफ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ हो जाती है। और जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कोई वैल्यू आ जाती है तो वो चल जाती है डिकोडर की तरफ। और जब डिकोडर में वो वैल्यू आ जाती है फिर आगे का काम होता है। फिर सपोज करो 2001, तो 2001 के लिए भी वापस यही प्रोसेस होगा, पीसी की वैल्यू 2001 से हो गई है तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चल जाएगा। तो मतलब पीसी के अंदर दो वैल्यू, दो बाइट जाएंगी, डेफिनेटली बात है। अगर दो इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो दो बाइट जाएंगी, तीन साइज ले रहा है तो तीन बाइट जाएंगी। तो पीसी के अंदर जब जब वैल्यू आएगी आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अपने आपको अपडेट करता रहेगा और उस एड्रेस से आपका डेटा बस पे लोड होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई मैं दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ। MVI A24H, पहले इस इंस्ट्रक्शन को आपने मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब बात आनी आई एग्जीक्यूट होने की, तो एग्जीक्यूट होने से पहले इंस्ट्रक्शन रीड होता है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर दिखाया जाता है। प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अभी 2000H को कर रहा है क्योंकि एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट होने वाला है तो 2000H को पॉइंट आउट कर रहा है। 2000H को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर वो 2000H किस में ट्रांसफर हो जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या कहता है कि जो पीसी की वैल्यू है उसको MAR में डाल दो और MAR का जो एड्रेस है उसको एड्रेस बस पर बिठा दो। कंट्रोल यूनिट के अंडर में चल रहा है सारा काम। एड्रेस बस पर जो एड्रेस जा रहा है वो उस मेमोरी तक पहुंच जाएगा जो एड्रेस उस पर था, उस मेमोरी से वो डेटा उठाएगा और डेटा बस पर लोड कर देगा। डेटा बस पर जब लोड हो जाएगा तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी MDR के अंदर जो कि प्रोसेसर के पास होता है। और MDR क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा देता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर वो डिकोड होता है और देन एग्जीक्यूट होने की तैयारी में होता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई, तो यही सारा काम मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। क्लियर हुआ या नहीं दोबारा बता रहा हूं मैं।
कि यहाँ पे देखिए आप 2 बाइट का जो कंटेंट था पीसी का वो एक स्पेशल रजिस्टर जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसके बाद में उसको हम बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं जब फैच होने वाली होती है साइकिल, ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट है वो एक एड्रेस है तो उसको मेमोरी तक भेजा जाता है वायर एड्रेस बस, ठीक है। और जब एड्रेस बस उस मेमोरी तक पहुंच जाती है तो जो उसका कंटेंट होता है कंटेंट वो रीड होता है, रीड कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है टीसी के द्वारा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एक रीड एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, रीड एंड कंट्रोल सिग्नल जब जनरेट हो जाता है तो जो एड्रेस बस से जो एड्रेस आया था उस एड्रेस का कंटेंट हमारा नॉर्मली डेटा बस पे लोड हो जाता है, ठीक है। और डेटा बस से लोड होने के बाद में वो MDR में पहुंच जाता है जिसे हम डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं जो कि सीपीयू के अंदर भी होता है, और फिर MDR से वो कहां जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है और फिर डिकोडर पे डिकोड हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई तो ये पूरा एक डायग्राम है जो मैंने आपको बताया। देखिए आप पहले प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम ये स्टेप नंबर 1 है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू गई MAR, MAR से फिर कहां गया एड्रेस गया वाया एड्रेस बस से स्टेप नंबर 2। फिर यहाँ पे जो कंटेंट था वो जैसे कंट्रोल यूनिट ने रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करा वो डाटा जो था यहाँ पे वो आपका डाटा बस पे लोड हो गया, और डाटा बस से लोड होके वो कहाँ चला गया MDR में, दैट इज स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 के बाद में फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया, दैट इज स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 से यहाँ पे स्टेप नंबर 5 वो डिकोडर में चला गया और फिर उसको ALU एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे जो कंट्रोल यूनिट है ये 2 पे, यहाँ 2 पे जो कंट्रोल यूनिट है एक रीड सिग्नल, रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। कौन सा सिग्नल जनरेट करती है? रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, तब जाके ये स्टेप नंबर 3 परफॉर्म होती है। जैसे वो एड्रेस बस से जो एड्रेस गया वो मेमोरी तक पहुंच गया, और मेमोरी में जब एड्रेस पहुंच चुका है तो उसके कंटेंट को उठाने के लिए एक रीड कंट्रोल सिग्नल आता है। रीड कंट्रोल सिग्नल जैसे ही आया डाटा बस पे वो डाटा लोड हो जाता है जो उस एड्रेस पे पड़ा हुआ था, चाहे वो ऑपकोड हो चाहे ऑपरेंड। और हॉल्ट एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को 0000 कर देता है, वहां पे स्टोर हॉल्ट कर देता है प्रोग्राम, और सारी जो बसेस थी एड्रेस बस हो चाहे डाटा बस हो वो ट्राई स्टेट में चल जाती है, फ्री हो जाती है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई, ठीक है आगे चलें, ठीक है। तो ये आपका था। अब मैं 8085 के इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ। 8085 के इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ये कहता है कि 8085 एक 8 बिट की डिवाइस है। अच्छी बात है, 8085 अगर 8 बिट की डिवाइस है तो टोटल जो ऑपकोड बनेंगे वो 2 की पावर 8 बनेंगे। 828 नहीं है, ये 2 की पावर 8 है, ठीक है, 2 की पावर 8 है, ये हटा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। 2 की पावर 8 का मतलब 256 ऑपकोड बनेंगे, मतलब 256 ऑपकोड बनेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो 256 में से 8085 246 तरीके लेता है टोटल कितने ऑपरेशंस करने के लिए, 80 ऑपरेशंस करने के लिए 246 तरीके वो अपनाता है। जैसे डाटा ट्रांसफर के हो गए कुछ तरीके, डाटा ट्रांसफर के कुछ तरीके हो गए, उसके बाद में आपके डाटा ट्रांसफर एडिशन के हो गए, सब्ट्रैक्शन के हो गए, एंडिंग के हो गए, ओरिंग के हो गए, ऐसे टोटल 80 इंस्ट्रक्शंस के लिए 246 कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक से ज्यादा फॉर्मेट रखते हैं। जैसे बात करें मूव की, मूव एक ऑपरेशन है, अब मूव ऑपरेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मेट है, मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा सी, मूव ए कोमा डी, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे हम बात करें ऐड की, तो ऐड ए कोम वो ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड एम, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे सब्ट्रैक्ट के लिए बात करें हम, ऐसे हम और के लिए बात करें, ऐसे हम डेटा ट्रांसफर के लिए बात करें, तो सारे ऑपरेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हो रखे हैं, इसलिए 246 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। पर इंस्ट्रक्शंस केवल कितने हैं, टोटल 80 हैं। तो 80 इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों को मिला के 246 तरीके बनते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस को लिखने के। क्लियर हो गई? जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे मूव है, अब मूव ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई, ए कोमा एच, ए कोमा एल, फिर B, C, B, D, B, E, B, तो ये बहुत सारे तरीके होते जा रहे हैं, पर काम तो मूव ही हो रहा है ना। तो मूव एक इंस्ट्रक्शन है जो कि नॉर्मली अलग अलग तरीकों से किया गया है, तो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। क्लियर है? अब बात आती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन बांटते हैं
तो नॉर्मली डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ब्रांचिंग ऑपरेशन होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी होते हैं और हमारे इंटरप्ट रिलेटेड ऑपरेशन भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा ट्रांसफर की। देखिए डेटा का ट्रांसफर होने का मतलब है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रक। ट्रक के अंदर सामान को डालना, ट्रक के अंदर से सामान को उतारना, ट्रक के अंदर से सामान को एक सी जगह दूसरी जगह कॉपी कर देना और दो ट्रकों का सामान एक्सचेंज कर देना, ये सारे काम डेटा में ट्रांसफर हो रहा है। डेटा इधर से उधर हो रहा है, चाहे आप ट्रक के अंदर डेटा लोड कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग, आप ट्रक का डेटा कहीं गोदाम में स्टोर कर रहे हो तो ट्रक से जो डेटा है वो उतर के स्टोर में चला गया, गोदाम में चला गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग। एक ट्रक का डेटा कॉपी हो रहा है दूसरे ट्रक में तो ये कहलाता है डेटा कॉपी। अब मैं यूं कहूं कि एक ट्रक का डेटा दूसरे ट्रक के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन डेटा को लोड करवाएं, डेटा को कॉपी करवाएं, डेटा को एक्सचेंज करवाएं, डेटा को हमारे क्या करें स्टोर करवाएं, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं नॉर्मली हमारे डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में आते हैं। अब ये डेटा जो ट्रांसफर होता है 8085 में, वो डेटा के खुद के साथ भी हो सकता है, रजिस्टर से भी हो सकता है डेटा ट्रांसफर, मेमोरी से भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन जो है मैंने क्या बताया, लोड डेटा। लोड डेटा का मतलब है डेटा लोड हो रहा है, या तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हो रहा है, या वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में होता है, या वो किसी एड्रेस से लोड हो रहा है, या किसी वो रजिस्टर पेयर से लोड हुआ है, जैसे कि मैंने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बताया था आपको, तो ये लोड हुआ है, ठीक है। कहाँ पे लोड हो रहा है, वो किसी रजिस्टर में लोड हो सकता है, किसी रजिस्टर पेयर में लोड हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर में लोड हो सकता है, स्टैक पॉइंटर में लोड हो सकता है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस लोड कैटेगरी में आते हैं। मतलब किसी भी जगह से किसी रजिस्टर में, किसी रजिस्टर पेयर में, किसी प्रोग्राम काउंटर में, किसी स्टैक पॉइंटर में डाटा को लोड करना, किसी भी जगह से, चाहे डाटा खुद चल के आए, चाहे वो किसी रजिस्टर से चल के आए, चाहे वो किसी एड्रेस से चल के आए, चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से चल के आए, अगर इन चार जगह आ जाए डाटा लोड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग। अब ऐसे हम बात करते हैं स्टोरिंग। हमको पता है कि नॉर्मली हमारा आउटपुट जो है वो एक्युमुलेटर में आता है, पर हम एक्युमुलेटर में ना लेके हम उसको किसी एड्रेस पे लेना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी एड्रेस पे लेना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टोरिंग, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारा एक्युमुलेटर का डाटा किसी एक्युमुलेटर का डाटा किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, या हमारा एचएलपीएल का डाटा किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोर डाटा, क्लियर है। मूव डाटा की बात करें तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को कॉपी कर देना, ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड मूव डाटा। एंड स्टैक, स्टैक से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, पुश पॉप, ये जितने भी ऑपरेशन हैं, ये स्टैक रिलेटेड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि दैट आपके डेटा ट्रांसफर में ये बात ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करिए, जहां से डेटा उठ रहा है उस डेटा को कुछ भी नहीं होगा, वो ओवरराइट नहीं होगा, सोर्स का डेटा सेम रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सोर्स का डेटा हर टाइम सेम रहता है, डेस्टिनेशन में डेटा जाता है, तो सोर्स के डेटा को, ये नहीं है कि सोर्स का डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ कट वाला हिसाब नहीं है, कॉपी है, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर देखिए तीन तरीके से होता है नॉर्मली अगर हम देखें तो, जैसे हम बात करें हमारी ग्लूकोज की, ग्लूकोज एक डेटा है, ग्लूकोज एक डेटा है, ग्लूकोज लेने के दो तरीके हैं या तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, इंटरनली ग्लूकोज शरीर ले ले, अगर हमारे जो ब्लड है, हमारा ब्लड अगर इंटरनली ग्लूकोज ले ले शरीर से तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अगर हम बाहर से ग्लूकोज दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर, और अगर हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर इनिशिएटेड फ्रॉम इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो तीन तरह की कैटेगरी में हमने डेटा ट्रांसफर को फिर से बांट दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो नॉर्मली दो रजिस्टर्स के बीच में हो रहा है, डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में हो रहा है, डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्युमुलेटर के बीच में हो रहा है, और डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो रजिस्टर पेयर और स्टैक के बीच में हो रहा है। इस तरीके से हमने डेटा ट्रांसफर को बांटा गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर डेटा ट्रांसफर केवल इंटरनली हो रहा है, जैसे रजिस्टर से रजिस्टर, इंटरनली घर की घर बात है, अगर आपके घर में कोई बात हो जाए और वो घर की घर में रह जाए तो दैट इज कॉल्ड इंटरनली, ठीक है। पर अगर आपके घर की बात मोहल्ले तक पहुंच जाए तो मतलब घर की बात ट्रांसफर हो गई सोसाइटी तक, या सोसाइटी से कोई बात आपके घर तक आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर।
और अगर आपके घर की बात कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर। क्लियर है? और मैंने ये फिर बता दिया आपको कि दैट आपके असेंबली लैंग्वेज नेमोनिक्स के फॉर्म में लिखी जाती है, और नेमोनिक्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे अल्फाबेटिकली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं डेटा ट्रांसफर में, तो सोर्स का डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, सोर्स का डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो केवल डेस्टिनेशन पे कॉपी होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी आती है वो लोड कैटेगरी आती है। लोड कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ जो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब क्या है। लोड द डेटा, डेटा को लोड किया जा रहा है किसके अंदर, या तो किसी एक्युमुलेटर में लोड करा जा रहा है, ठीक है, या लोड करा जा रहा है किसके अंदर, किसी रजिस्टर पेयर में लोड करा जा रहा है, ठीक है। तो आप डेटा को अगर लोड कर रहे हो किसके अंदर, मेमोरी के अंदर लोड कर रहे हो, किसी रजिस्टर पेयर में लोड कर रहे हो, या किसी एक्युमुलेटर में लोड कर रहे हो, या किसी स्टैक पॉइंटर में लोड कर रहे हो, या प्रोग्राम काउंटर में लोड कर रहे हो, किसी भी वैल्यू को आप अगर लोड कर रहे हो तो वो कहलाता है लोड, ठीक है। अब डेटा जो लोड होता है वो नॉर्मली कहां से होता है, डेटा लोड होता है कहां से, किसी रजिस्टर से लोड हो सकता है, खुद चल के हो सकता है लोड, किसी रजिस्टर पेयर से हो सकता है, किसी मेमोरी एड्रेस से उठ के डेटा लोड हो सकता है। अब ये लोड कहाँ को होगा, ये लोड होगा किसी रजिस्टर में लोड होगा, या किसी रजिस्टर पेयर में लोड होगा, या किसी प्रोग्राम काउंटर में लोड होगा, या किसी स्टैक पॉइंटर में लोड होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोड का मतलब है प्रोसेसर की तरफ आना, प्रोसेसर की तरफ आ रहा है। तो डेटा अगर प्रोसेसर में रजिस्टर में आ रहा है, या किसी रजिस्टर पेयर में आ रहा है, या किसी प्रोग्राम काउंटर में आ रहा है, या स्टैक पॉइंटर में आ रहा है, कोई भी अगर नंबर आ रहा है आपका, तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग। वो कहाँ से आएगा, वो खुद चल के भी आ सकता है, किसी रजिस्टर से भी आ सकता है, किसी रजिस्टर पेयर से भी आ सकता है, किसी मेमोरी एड्रेस से भी आ सकता है। जैसे बात करें हम पहले इंस्ट्रक्शन की, MVI एक्युमुलेटर 8-bit डेटा, इसका मतलब क्या है, ये 8-bit का डेटा एक्युमुलेटर में खुद लोड हो जाए। अब बात यह आती है, एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बच्चे रटने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बच्चे रटने की कोशिश करेंगे इस चीज को, मतलब तो चलो आप समझ लोगे, मतलब तो ये कहेगा 8-bit डेटा एक्युमुलेटर में लोड कर दो, ठीक है, पर इस चीज को रटने की कोशिश करोगे कि कितनी बाइट हो गई, कितनी मशीन साइकिल हो गई, कितनी 30 states हो गई, और कौन सा एड्रेसिंग मोड है इस चीज को, तो पर इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को सीख लीजिए कैसे है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करेंगे हम काम, देखिए ढंग से। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन होते हैं, सब ऑपरेशन, जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने होता है तो कुछ सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए आपके कुछ सब ऑपरेशन होते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन है रोटी बना दो, अब रोटी बनाने के लिए आपने सब ऑपरेशन करा, आटा लगाना, नमक डालना, फिर रोटी को बेलना, फिर रोटी को सेकना, तब जाके रोटी बनती है। तो रोटी बनाना एक इंस्ट्रक्शन था और उसको सब ऑपरेशन में तोड़ दिया। तो जब कोई हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव कराया तो सबसे पहले उसका ऑपकोड फैच होता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, ऑपकोड फैच। फिर ऑपरेंड को रीड करते हैं, ऑपरेंड को रीड करने के लिए जो ऑपरेंड होता है वो नॉर्मली मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए ऑपरेंड रीड को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, फिर ऑपरेंड रीड हो गया, ऑपकोड फैच हो गया, ठीक है। फिर अब एग्जीक्यूशन आता है, अब एग्जीक्यूशन में मान लो कोई डेटा मेमोरी से ही आ रहा है तो मेमोरी रीड कहलाएगा, अगर डेटा मेमोरी को जा रहा है एग्जीक्यूशन के बाद तो वो कहलाता है मेमोरी राइट, मेमोरी राइट, ठीक है। अब मेमोरी राइट, अगर कोई डेटा इनपुट डिवाइस से आ रहा है तो इनपुट रीड होगा, ठीक है, अगर कोई डेटा आउटपुट डिवाइस को जा रहा है एग्जीक्यूशन के बाद तो आउटपुट राइट होगा, ठीक है। और एक होता है इंटरप्ट, जो कि नॉर्मली इंटरप्ट रिलेटेड होती है मशीन साइकिल, और एक होता है हॉल्ट, जो कि प्रोग्राम को रोक देता है। ये हमारी मशीन साइकिल कहलाती है, दीज आर कॉल्ड मशीन साइकिल, इन सब ऑपरेशंस को हम कहते हैं सब ऑपरेशंस, ठीक है, जिनको हमने क्या बोला है, सब ऑपरेशंस, जिनको हमने मशीन साइकिल्स बोला है। तो आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो इन मशीन साइकिल से गुजरेगा, जरूरी नहीं है ये सारी हो,
आपके इंस्ट्रक्शन के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि इनमें से कौन कौन सी होगी। पर ये जरूर ध्यान रखेगा जब कोई इंस्ट्रक्शन रीड होता है तो ये दो काम तो होंगे ही जो मैं आपको इस पीले कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए आप, इस पीले कलर से मार्क करने का मतलब है ये दो काम तो आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करते टाइम होंगे। अब उसके बाद में अगर आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ढंग से देख लेना, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो ये काम होंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये वाले काम जिनको मैं हरा कलर से बता रहा हूँ, नॉर्मली हरे कलर से मैं बता देता हूँ, ये हरे कलर से या होल्ड ये भी हो सकता है एग्जीक्यूट होने के बाद। ये हरे कलर वाले जो हैं, ये ग्रीन कलर के जो हैं, ग्रीन कलर ये आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ये साइकिल्स है मतलब। और जो येलो कलर का है ये कब है, येलो कलर का मतलब है जब इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको इनकी साइकिल भी बता देता हूँ। नॉर्मली जो ऑपकोड फेच होती है वो चार साइकिल लेगी, चार साइकिल, बाकी की जितनी भी साइकिल्स हैं वो तीन साइकिल्स लेती हैं। जितनी भी साइकिल्स हैं वो कितनी साइकिल लेंगी बेटा, तीन साइकिल्स लेंगी। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, ठीक है, तीन साइकिल्स लेंगी। इनपुट रीड ये भी आपकी तीन साइकिल्स लेगी। बस पहली वाली जो साइकिल है वो कितनी साइकिल लेती है, पहली वाली साइकिल जो है वो चार साइकिल लेती है। अब यहाँ पे साइकिल का मतलब क्या है, देखिए साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब है क्लॉक। साइकिल का मतलब क्या है, क्लॉक, ठीक है। और क्लॉक हमारी कितनी है, यहाँ पे क्लॉक अगर हमारी 3 मेगाहर्ट्ज की है तो टाइम कितना हो गया, एक साइकिल का टाइम ऑफ वन साइकिल कितना हो गया हमारा, बराबर 1/3 माइक्रो सेकेंड, इतना टाइम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में लगता है। क्लियर हो गई बात। अब ये चार साइकिल, सॉरी ये तीन था, अब ये चार साइकिल केवल पहले वाले ने ली है क्योंकि उसको डिकोड भी होना होता है, तीन तो उसके रीड होने के हो जाते हैं और चौथा उसके डिकोड में हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। अब आते हैं वापस अपने इंस्ट्रक्शंस पे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई है कि MBI एक्यूमुलेटर 8-bit डेटा, ठीक है, ये कितना क्या कर रहा है, सबसे पहले ये देखिए 8-bit का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो रहा है, लोड 8-bit डेटा इनटू एक्यूमुलेटर, सो इसे कहते हैं MBI 8-bit डेटा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने MBI 822H, अब MBI 822H को देखते हैं हम कैसे करेगा काम। MBI 822H का मतलब है, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, साइकिल भी बता दूंगा, देखिए MBI A, 22H, MBI A, 22H, इसको अगर मेमोरी में स्टोर करें तो 2000H पे क्या आएगा, 3E, और 2000H के बाद 2001 पे क्या आएगा आपका 22, ठीक है। अब आपने इसको रीड कराया तो सबसे पहला जो पहला वर्ड है ध्यान रखना है, ये पहली चीज क्या होती है हर टाइम, ऑपकोड। ये क्या है हमारा ऑपकोड, ठीक है, ये देखिए ये आपका ऑपकोड, ठीक है, ऑपकोड है। और ये हमारा जो है, अब ऑपकोड है तो ऑपकोड के लिए सबसे पहले कितनी होगी, ऑपकोड के फेच के लिए कितनी साइकिल लग गई, चार साइकिल लग गई ऑपकोड फेच के लिए, ठीक है। अब अगला है, अगला जो है हमारा वो ऑपरेंड है, ये ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है, इसको मैं और बता देता हूं, ये हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक। और ऑपरेंड ऑलवेज किस में स्टोर होता है, ऑलवेज स्टोर इन मेमोरी। तो जब ये रीड होगा तो कौन सी साइकिल होगी, वो मेमोरी रीड साइकिल होगी, मेमोरी रीड साइकिल होगी, ठीक है। और ये नॉर्मली कितनी साइकिल की होती है, तीन साइकिल की। ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाली बात। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, बात आती है आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या होती है। एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है कि 22 को एक्यूमुलेटर में डाल दो, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात तो हुई नहीं कि मेमोरी से रिलेटेड काम हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना, 22 को एक्यूमुलेटर में डाल दो, 22 अपन रीड कर ही चुके हैं तो वो एक्यूमुलेटर में चल जाएगा, सीधी डेटा बस उसको कहाँ दी जाएगी,
एक्यूमुलेटर में ले जाएगी। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जो 22 रीड हुआ था ड्यूरिंग ड्यूरिंग कौन सी मेमोरी रीड साइकिल, ड्यूरिंग मेमोरी रीड साइकिल में जो रीड हुआ था ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ठीक है, कि दैट डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन ठीक है नेवर अफेक्ट फ्लैग। आपके डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन कभी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल ALU ऑपरेशन से फ्लैग अफेक्टेड होता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या बोला, 22 जो है वो रीड हुआ था, जो मेमोरी रीड साइकिल में रीड हुआ था वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये काम ALU का नहीं है, ये काम कंट्रोल यूनिट कर देगी कि जो डेटा आ रहा था उसको एक्यूमुलेटर में डाल दे। क्लियर हो गई। तो टोटल साइकिल अगर हम देखें तो कितनी हो गई, टोटल साइकिल हो गई 4 और 3 7 7 साइकिल हो गई। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, 2, कौन कौन सी, ऑपकोर फेच और एक कराती है ऑपरेंड रीड या मेमोरी रीड। तो कौन सी साइकिल हो गई, कौन कौन सी साइकिल हो गई बेटा, एक तो हो गई ऑपकोर फेच साइकिल हो गई जो कि हमने पहली स्टेप में देखी थी, और दूसरी साइकिल जो हमारी थी वो कौन सी थी, मेमोरी रीड। क्लियर हो गई बात, ये हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कितने का हो गया। और एड्रेसिंग मोड कौन सा है, आई लगा हुआ है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, आई लगा हुआ है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। कितने एड्रेस घेरे इसने, 2 एड्रेस घेरे, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर और नॉट, तो 2 बाइट 2 मशीन साइकिल वो मैंने बताई थी, 7 टी स्टेट 7 साइकिल हो गई, टी स्टेट को साइकिल ही कहते हैं, और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आप देखोगे आफ्टर एग्जीक्यूशन, पहले एक्यूमुलेटर में 00 था, अब डाटा खुद चल के आया है, ये 22 है बेटा, ये 22 है, 23 नहीं, 22 इसके अंदर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप MJE 8 बिट डाटा, नॉर्मली MJE 24H लिखा मैंने, बिफोर एग्जीक्यूशन 00 था, एग्जीक्यूशन के बाद में डाटा क्या हो गया, 24 हो गया। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं एक्यूमुलेटर में 24 आ गया। ठीक है, 2 बाइट लिए। चलिए आगे, अगला है MVI रजिस्टर। पहले A लिखा था, अब MVI रजिस्टर है। यहाँ पे रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर है, रजिस्टर सारे जनरल पर्पज रजिस्टर है। MVI B 8 बिट डेटा, MVI C 8 बिट डेटा, MVI D 8 बिट डेटा, MVI E 8 बिट डेटा, MVI H 8 बिट डेटा, MVI L 8 बिट डेटा, ऐसे करके हमने सारे के लिए MVI कमांड लिख लिया। इसका मतलब क्या है, जो 8 बिट का डेटा है वो खुद चल के किसी रजिस्टर में जा रहा है, खुद चल के कुछ रजिस्टर में डाल रहा है। तो आई लग गया तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, ये तो क्लियर हो गई, 8 बिट का डाटा खुद चल के जा रहा है। अब बात आती है इन तीनों की, तो हम देख लेते हैं ये तीनों कैसे डिसाइड होंगे। ऑपरेशन भी समझ लिया हमने क्या है, तो ऑपरेशन भी समझ लिया हमने ये लीजिए। अब MVI B की बात करते हैं, MVI B कॉमा 8 बिट का डाटा 42H है। ठीक है, अब मैं MVI B में देखिए इसको मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ, 2000H पे मैंने करा तो उसका कोड होता है MVI B का 06 और 2001 का कोड है 42। पहला वाला क्या है, पहला वाला मैंने अभी बताया था, बताइए पहला वाला जो आपका है वो क्या है, 2000H से पे जो स्टोर है वो कहलाता है हमारा क्या, ऑपकोड, ये हमारा कहलाता है ऑपकोड, ये हमारा ऑपकोड हो गया। ठीक है, और ऑपकोड को करने के लिए क्या होती है, ऑपकोड फेच। ठीक, और ये कितनी साइकिल का हो गया ऑपकोड फेच, 3 साइकिल का हो गया, वेरी गुड, 3 साइकिल का हो गया। अब आती है हमारी अगले की बात। ठीक है, ये कौन सा है, ये कहलाता है ऑपरेंड। अब ऑपरेंड के लिए क्या होती है, ऑपरेंड, और ऑपरेंड के लिए हमने बोला था क्या, ऑपरेंड जो कि स्टोर्ड है किसके अंदर, स्टोर्ड इन मेमोरी। तो इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ये कहलाएगी मेमोरी रीड साइकिल। ठीक है, और कितने की होगी, ये 3 साइकिल की होगी, सॉरी ओ बाव मैंने वो 4 कर दी, 3 नहीं थी बेटा, ये 4 थी, इसको मिटा देना, ये मिटा देना, ऑपकोड फेच 4 की होती है, गलती से लिख दिया था बेटा मैंने, इसको 4 कर लीजिए, सॉरी इसको नॉर्मली 4 कर लीजिए, तो ये हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, वेरी गुड, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। अब आती है बात आफ्टर एग्जीक्यूशन की, ये तो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ है, आफ्टर एग्जीक्यूशन, अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या बोला जा रहा है,
कि जो डेटा था, डेटा क्या था, 42 था, उसको खुद बी के अंदर डाल दो। आफ्टर एग्जीक्यूशन बोला जा रहा है कि जो डेटा था 42 उसको बी के अंदर डाल दो। तो 42 को तो अपन रीड कर ही चुके हैं, 42 है, रीड हो चुका है, ठीक है, 42 रीड हो चुका है, दैट विल बी ट्रांसफर, जो हमारा क्या हो गया है, ठीक है, किसके अंदर डाल दो, बी के अंदर डाल दो। तो हमें कोई अलग से कोई मशीन साइकिल करने की जरूरत नहीं, पहले से ही हम 42 को रीड कर चुके हैं, केवल उसको बी के अंदर डाल देंगे, ऐसे सी के अंदर डाल देंगे, ऐसे डी के अंदर डाल देंगे। तो टोटल मशीन साइकिल कितनी लग गई, दो। कौन कौन सी साइकिल हो गई मशीन साइकिल, एक तो हो गई थी ऑपकोड फैच, ठीक है, और एक हो गई आपकी ऑपरेंड रीड। क्लियर है या नहीं है, या यूं बोलो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। और आप देखेंगे और टोटल टी स्टेट कितनी हो गई, 4 और 3 7, चाहे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ अगर आप देखें तो, खुल जाए एक बार एडिटर, ये देखिए आप MBI B42H, ठीक है, अगर अपन देखें तो ये देखिए आप, ये देखिए आप। अब मैं यहाँ पे टी स्टेट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, अगर मैं इसको बोलूँ अल्ट प्रिंट करके, मैं आपको पेंट में लेके दिखा रहा हूँ, पेंट में लेके दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी के करके फिर ये बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए आप, पहला वाला जो डायग्राम है, पहले वाले में देखिए आप, जो पहला वाला हुआ है ये 4 साइकिल का ऑपकोड फैच है, देखिए आप 2000 से, ठीक है। और जब 42 की बात हो रही थी तो 42 की जो ऑपरेंड रीड हुई है ये मेमोरी रीड है, ये काम हो गया हमारा, तो इसको दो ऑपरेशन में परफॉर्म कर दिया, इसको हम कहते हैं दो मशीन साइकिल। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, तो हम यहाँ देखेंगे MBI C के लिए लिखा 82, तो C के अंदर 82 चला जाएगा, बिफोर 00 था, आफ्टर एग्जीक्यूशन C में 82 चला गया। जैसे यहाँ पे देखिए MBI B 34 लिख रखा है, तो MBI B 34 मतलब B में पहले 0 था, अब 34 चला गया, जो कि यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होने के बाद दिख रहा है। क्लियर होने की बात ये नहीं हुई, आप यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, चाहे ले लीजिए आप, इसको एग्जीक्यूट करिए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने MBI B में 42 लिखा है, तो ये देखिए आप 42 आपका आ गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम अगले इंस्ट्रक्शन पे, LDA 16 बिट मेमोरी एड्रेस, LDA 16 बिट मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये आपका क्या कहता है कि एक 8 बिट का डेटा जो कि एक एड्रेस पे रखा हुआ है और उस एड्रेस का जो पता है वो 16 बिट का है। एक मिनट पॉज कर रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए,